और हस्बैंड वाइफ में बाई जब हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना, सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। तुम्हारी वाइफ ना, आप मिलजुल के रहिए। साफ ही क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका जॉब लगेगा, आप में से सब शादी भी है, सब क्यों होगी भाई, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए, शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को आप समझिए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है, पेड़ से हिला के लेके चला जाते हैं। भाई बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है, घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए, फिर सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है, कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए, कोई एक ईंट रोका है पूरी दीवार को, पूरे सब चीज मिल के इस घर को रोके। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत है, आप सबकी भावनाओं को